शाहरुख खान, आमिर खान, तुषार कपूर और करण जौहर जैसे भारत के मशहूर सितारों ने सरोगेसी द्वारा बच्चों को पैदा कर देश में चर्चा का मुद्दा बना दिया है। डॉक्टर खादिलकर का मानना है कि सेलिब्रिटीज द्वारा सरोगेसी अपनाने से आम लोगों में सरोगेसी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सेलिब्रिटी ने सरोगेसी करके ली तो शायद ज्यादा लोगों को सरोगेसी की उपलब्धता की जानकारी हो जाती है, इसके लिए थोड़ा सरोगेसी ऊपर लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन जैसा कि कोई जिनको सरोगेसी की जरूरत है उनको तो जरूरत है ही, वो तो करेंगे ही सरोगेसी। डॉक्टर खादिलकर आज देश में सरोगेसी के लिए जाने माने डॉक्टरों में से एक है जो पिछले 20 वर्षों से मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर खादिलकर ने यूके में जाकर 6 वर्षों तक ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस की, जिसका फायदा अब देशवासी उठा रहे हैं। डॉक्टर खादिलकर ने सरोगेसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। सरोगेसी यानी जो औरत को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है क्योंकि उनके बच्चेदानी में यानी गर्भाशय में खराबी है, यूट्रस में खराबी है, उनके लिए सरोगेसी की जरूरत रहती है। जैसे कि टीबी की वजह से या बार बार थैली सफा करने से जिनकी थैली खराब हो जाती है उनको सरोगेसी करनी पड़ती है। कोई कोई औरत जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, नहीं तो किडनी की बीमारी जैसी बड़ी बीमारी है कि जिसकी वजह से अगर उनके थैली में बच्चा पल जाए तो उनके सेहत को बड़ा खतरा हो सकता है, उनके लिए भी सरोगेसी करनी पड़ती है। डॉक्टर खादिलकर का मानना है कि जो दंपति संतान पैदा नहीं कर सकते हैं, ऐसे दंपति 10 से 15 लाख रुपए खर्च करके माता पिता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली सरोगेसी का खर्चा 10 से 15 लाख रुपए तक जाता है पूरा डिलीवरी होने तक, उसमें पूरा खर्चा इंक्लूडेड है। सरोगेस मदर का पेमेंट, उनकी डिलीवरी का खर्चा, उनके दवा का खर्चा, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा ट्रीटमेंट सब उसमें ही है। लेकिन थोड़ा वेरिएबल हो सकता है कि एक डोनर की जरूरत पड़े ना पड़े उसके पास। आज भारत में अकेले माता पिता, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले और समलैंगिक जोड़े भी सरोगेसी द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब इस विषय पर लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है। अगर ये मंजूर हो जाए तो हर किसी को सरोगेसी का लाभ उठाने की इजाजत नहीं होगी।